हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में फिर से स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तो फिर से नए लेसन के साथ नया वीडियो, और आज का ये जो लेसन है एक बहुत ही फेमस सुपरहिट लहरा यानी राग बिलावल का ये लहरा है, बहुत ही फेमस लहरा है, सुपर डुपर हिट लहरा। तो हम हारमोनियम पर आप लोगों को सिखाएंगे। दोस्तों इस लहरे को आप लोग जो है या हम लोग कहरवा ताल में भी कर सकते हैं और तीन ताल में भी कर सकते हैं, 16 मात्रा के अंदर। कहरवा ताल के अंदर 8 मात्राएं होती हैं, तीन ताल में 16 मात्राएं। तो आप दोनों तालों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तीन ताल का कहरवा ताल के साथ भी मैंने ट्यूटोरियल चैनल पर डाला हुआ है। तो आज हम इस लहरे को सीखेंगे। पहले हम इसको राइटिंग में एक बार समझ लेते हैं, देखिए किस प्रकार से इसका पैटर्न है, उसके बाद हारमोनियम पर समझेंगे। देखिएगा, तो हम लिखते हैं राग बिलावल, राग बिलावल लहरा लहरा। तो हम इसको जो है दो पैटर्नों में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं लहरे को। देखिएगा किस प्रकार का है, सा नी सा रे रे, जो पहली लाइन है इस प्रकार से सा नी सा रे रे। तो ये मंद्र सप्तक का नी है नीचे की तरफ, और ये जो सारे है ये एक साथ है, इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, ये सारे एक साथ है, एक मात्रा पर है, ठीक है। अब अगली लाइन जो है देखते हैं, देखिए अगली लाइन है फिर सा नी धा नी सा नी धा नी। अब ये है मंद्र के ही हैं ये सारे स्वर, सा पहला काला हमारा शुरू होगा मध्य सप्तक से, तो सा नी धा नी ये हो गया। फिर आगे और है सा नी सारे रे, ये सारे रे एक मात्रा पर है। फिर आगे है सा 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 सा, इस प्रकार का पैटर्न है। फिर और आगे थोड़ा सा है सा नी सारे, देखिए सारे हर बारी एक ही मात्रा पर है, बाकी सब सिंगल मात्रा पर, सारे जो है एक मात्रा पर है। और आगे लिखते हैं फिर सा नी धा नी सा नी धा नी, जिनके नीचे डॉट लगा है वो मंत्र सप्तक। फिर आगे एक और लाइन है देखिएगा सा नी नी, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है, सा रे, ये जो सारे है ये एक मात्रा पर है। फिर रे पामा गारे सा सा, ये पामा और गारे एक एक मात्रा पर है। देखिए इधर वाली जो लाइन में है, देखिए सारे सारे जो है एक मात्रा पर है, यानी नीचे जो अंडरलाइन की है वो, और यहां पर जो आखिरी में जो है पामा और गारे ये एक साथ है, बाकी सब सिंगल सिंगल मात्रा पर है। हम इसको जो है तीन ताल में भी कर सकते हैं, 16 मात्रा के अंदर कहरवा ताल में भी कर सकते हैं, तीन ताल या फिर कहरवा ताल, कहरवा ताल, कहरवा ताल में कर सकते हैं, 8 मात्रा होती है और ये 16 मात्रा। तो ये हम जो है नोट कर लेंगे इसको किस प्रकार का इसका पैटर्न है। देखिए सा नी सा रे रे, फिर सा नी धानी, फिर सा नी सारे रे सा 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 सा, इस प्रकार से फिर सा नी सारे रे सा नी धानी सा नी सारे रे पामा गारे सा सा सा, इस प्रकार का पैटर्न है। आइए तो अब हारमोनियम पर इसको स्लोली स्लोली समझते हैं, पहले सिंगल सिंगल स्वरों में समझेंगे, उसके बाद फिर कर्ण स्वरों को भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस लहरे को समझते हैं स्लोली स्लोली, बहुत ही आसान तरीके से, और कोई टफ वाली बात नहीं है।
तो स्लोली स्लोली समझेंगे पहले सिंगल सिंगल स्वरों में, उसके बाद हम इस पर फिर कर्ण स्वर लगाएंगे, थोड़ा सा आकार आलाप करेंगे, फिर आगे हम और सप्तकों में और स्केलों में प्ले करेंगे। तो हम पहले शी शार्प से आपको बता रहे हैं किस प्रकार का इसका अंदाज है, एक बार सुनाते हैं फिर स्लोली स्लोली समझाएंगे। देखिए, इस तरह का इसका जो है पैटर्न है। अब स्लोली स्लोली समझते हैं क्या हुआ है। देखिएगा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा, जो पहले की लाइन है सा नि सा रे रे। देखिए, सारे फिर रे, सारे एक मात्रा पर और रे, ये चारों लाइनों में सारे 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 एक एक मात्रा पर हैं। देखिएगा किस प्रकार से, सा नि सा रे रे, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा। फिर अगली लाइन कैसे है, देखिए वही सेम पैटर्न पहले होगा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, पा म ग रे सा सा, पा म ग रे सा सा। तो पा म और गा रे यानी एक एक मात्रा पर, पा म ग रे सा सा, पा म ग रे सा सा, इस तरह से इसका अंदाज है। थोड़ा फास्ट लहरा है, बट आप किसी भजन के अंदर गाने के अंदर इसको करते हैं प्ले तो बहुत अच्छा लगेगा। राग बिलावल का ये लहरा है। देखिए फिर से देखेंगे इसको पूरा कैसे, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, पा म ग रे सा सा, पा म ग रे सा सा, आ आ आ। इस प्रकार से इसको आकार में भी हम करेंगे, आ आ आ आ ऐसे, आ आ आ आ आ आ पामगरे सासा। अब हम इसका जो है थोड़ा स्केल और आगे बढ़ाते हैं। तो एफ शार्प हम ले लेते हैं, ये वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए एफ शार्प से कैसे करेंगे, पा म ग रे सा सा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे, सा 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 सा, सा नि सा रे रे, सा नि धा नि, सा नि सा रे रे,
पामा गरे सासा आ। अगर ये वाला भी, अगर वापसी वाला भी आप आकार में करते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज लगेगा। आ देखिए, सानी सारे रे सानी धानी सानी सारे रे सा 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 सानी सारे रे सानी धानी सानी सारे रे पामा गरे सा सा आ। इस प्रकार से फिर हम अगर आगे और बढ़ जाते हैं, हम तार सप्तक में चले जाते हैं, तो देखिए तार सप्तक में वही हमारा जो सा है वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखिए सेम पैटर्न, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है और आशा है आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अभ्यास करेंगे इसको तीन ताल के अंदर, कहरवा ताल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक दोस्तों अभ्यास करें और जहाँ कहीं भी हों अगली वीडियो आने तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें दोस्तों। धन्यवाद।